हेलो दोस्तों, सॉरी व्लॉग्स के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। ऊपर जो है गानों की आवाज आ रही है, इसका मतलब ऊपर कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं अब नहीं गया तो मेरे दो झापड़ मम्मी के आगे पड़ सकते हैं, इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग करनी है ऊपर छत पर। ठीक है, ये देखो सब ऊपर चले गए। तू क्या कर रहे हैं, तू ही चल। कुलदीप का बोलते हैं कचरा मत करे करो, कचरा कैसे नहीं करे, ये कचरेबाज की तरह देखो अभी भी घर पे पड़ा हुआ है। चल ऊपर भाई साहब, उठो ना, चलो ना, मेहंदी लगा नहीं क्या? नीचे मोबाइल चला रहे साले बाबू भैया। छोरी का चक्कर बाबू भैया, छोरी का चक्कर। बारिश हो रही है दोस्तों, उसके चलते मैं आया हूँ नीचे। तो आप देख सकते हो दोस्तों पहले की क्या स्थिति थी और अभी की क्या स्थिति है। ये देखो आप पीछे, हमने इतना सुंदर स्टेज लगवाया था, फिर वो हमने हटवा दिया क्योंकि भैया का नुकसान भी हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमारे पीछे ये अंकल का मकान है, इनका काफी बड़ा मकान है, 4-5 प्लॉट का, उसमें उनने हॉल बनाया बहुत बड़ा। तो इनसे हमने बोला, तो अच्छे हैं बहुत व्यक्ति, इन्होंने हमको बोला कि ठीक है, तो उसी हॉल को किया है दोस्तों। और वहाँ खाना और लेडी संगीत का सारा प्रोग्राम है। तो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे बारिश रुकने का, और अभी बारिश रुक चुकी है। और अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, बासन लेकर जा रहे हैं मंदिर। अब जाके पब्लिक बाहर आई है क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था कि खत्म हो गया था पूरा। ये देखो लेका तो पूरा रोड पे रगड़ते रगड़ते जाएगा। तो मैं अभी आया था दोस्तों यहाँ पर बुलाने की, यहाँ से झिलेंगे मटके। तो मैं अभी देखने आया था हमारी गट्टूड़ी को कि हमारी गप्पूड़ी घर पे ही है ना, कहीं घर पे नहीं होती तो दिक्कत हो जाए, भाग जाए, गप्पूड़ी का भरोसा नहीं है। बट हमारी जो गप्पूड़ी है वो आराम से सो रही है दोस्तों। मैं दिख रहा हूँ इसमें, अब दिख रहा हूँ फ्रंट कैमरे का कमाल है ये। आप सबने देखा अभी हम क्या कर रहे थे। वैसे तो मोबाइल पर आपके यूट्यूबर्स आ चुके हैं। जो बासन थे दोस्तों वो ला चुके घर में और अब सेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आराम से
भाइयों अब जा रहे हैं, देख लो आप बारिश मतलब ऐसा बिगाड़ा है बारिश ने माहौल, लेकिन हमारे भगवान की कृपा से और हमारे पड़ोसी अंकल की वजह से सब सही हो गया। उनका हॉल ले लिया हमने क्योंकि बहुत बड़ा मकान दोस्तों, तो हॉल काफ़ी अच्छा है उनका। कितनी तेज़ बारिश हो रही है आप खुद देखो यहाँ पर, ये देखो पूरे तंबू सब की हालत ख़राब हो गई, लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमारा कोई भी काम अटका नहीं, हमारे बासन भी हो गए क्योंकि उस टाइम पर गैप मिल गया था हमको पूजा का, और हम करके आए बढ़िया नाचते नाचते गाते गाते। तो भैया ये देखो शादी के मौज चल रहे हैं, फिर सोनू की साइकिल हम लेके लगा रहे हैं यहाँ पर हमारे घर के इधर, आप खुद ही देख सकते हो इतनी अच्छी सजावट की थी दोस्तों, बारिश ने ऐसा कबाड़ा किया ना क्या बताऊँ आपको मैं। और कमेंट में मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी तो मेरे से कह रहे जरूर आपकी बहन कढ़ाई में खाती होगी इसलिए बारिश हुई है, ऐसा नहीं होता दोस्तों मेरी दीदी ने कभी कढ़ाई में, तो सोचो वो बहुत डिसिप्लिन वाली है, वो हमेशा प्लेट में काटा छुरी से खाती है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखो आप माहौल, ये देखो पीछे का ये कितना, देखो कितना सारा क्या था हमने, ये ऐसा हो गया देख लो आप मतलब खुद ही। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमारा काम जो है वो बिगड़ा बिल्कुल भी नहीं, वही मैं सोची छाते में क्यों नहीं आ रहा, रेनकोट पहना भाई साहब ने तो पहले से तैयारी में आया था सोनू। तो जा रहे हैं दोस्तों अभी हॉल की तरफ, यहाँ पर लाइटें वाइटें थोड़ी कम है इसलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। तो अरे वाह यार कितना अच्छा सजा दिया देख ले, मतलब देख लो दोस्तों इतना मस्त सजा दिया वापस से कि आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब वो जितना वहाँ लग रहा था ना उससे भी सुंदर सजा दिया, देख लो हॉल को दिखाता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों ये हॉल है जहाँ पर हमने वापस से व्यवस्था जमाई है, देख लो मतलब काम हो जाएगा आपका भाई का, देखो डांस वांस का बढ़िया कर दिया, गद्दे वद्दे लगा लुगा के, बच्चे सोच रहे थे डांस नहीं करेंगे लेकिन बच्चे का गाना बजेगा, करेंगे ही। ए लो देख लेना दोस्तों बीजीएम पैराडाइज जाना कुटाई करने इसकी। तो पहले हमारी बुआ जी को लगा दे दोस्तों, ये थोड़ा बैठने में तकलीफ होती है इसलिए कुर्सी वर्सी जो है कुलदीप लगा रहा है, और ये पहले खाएंगी फिर हम तो सोच रहे हैं यार भूख तो मेरे को भी लग रही है, लेकिन सोच रहा हूँ पहले खा लेता हूँ फिर नाच लूंगा, और ये सोच रहा है कि पहले नाच लेता हूँ फिर खा लूंगा, तू ऐसा ही कर मैं तो यही करूंगा। पलट गया दोस्तों, बोलता है अब पहले मैं भी खाना खाऊंगा, और कंपनी कंपनी आप अकेले खाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये बात है क्या, ये बात है क्या, देखो मुस्कुराहट आई है दोस्तों नाचने के नाम, मुस्कुराहट तो देखो बंदे की नाचने के नाम पर है। प्लीज इसका चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप तो खाने पे कंसंट्रेट कीजिए, और आप वो छोले हैं गुलाब जामुन देखिए आप। और ये जो है लेडी संगीत का दोस्तों, जो हमारा मेन फंक्शन है वो विनायक रिसोर्ट पे, और ये जो है ये अभी हमारा लेडी संगीत का खाना है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं लेडी संगीत का डिनर। कांति बाजी को सबसे पहले दे, बस हो गया ये उसके लिए उनके लिए। तो दोस्तों खाना देख के अब मेरे को भी लग रहा है कि खा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह से दोस्तों से ही बता रहा हूँ एक कप चाय भी नहीं पी है, क्यों, क्योंकि मैं चाय तो पीता ही नहीं हूँ। पहले मेरा बोलने तो मुझे बोलने दे रहे, पहले इनकी वीडियो बना रहे इनकी पहले सबकी, तो अब मेरे को भी लग रही है थोड़ी भूख, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार खा लिया जाए खाना, उसके बाद डांस वांस करते रहेंगे, एनर्जी आएगी खाना खाने के बाद, नहीं तो मैं भी शुरू करता हूँ दोस्तों।